हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कथा, अर्जुन ने क्यों की अपनी ही बहन से शादी। अर्जुन ने किया सुभद्रा का हरण। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिंदू धर्म में भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है और इनकी कभी आपस में शादी नहीं होती। लेकिन महाभारत में अर्जुन ने अपनी बहन से शादी की थी और इससे जुड़ी कहानी बहुत कम लोगों को पता है। महाभारत के अनुसार सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी और अर्जुन उनकी बुआ कुंती के पुत्र थे। ऐसे में अर्जुन और सुभद्रा रिश्ते में फुफेरे और ममेरे भाई बहन हुए। सुभद्रा के रूप और बुद्धि की तारीफ सुनकर अर्जुन को सुभद्रा से प्रेम हो गया। अर्जुन ने सुभद्रा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने की सोची। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सुभद्रा वासुदेव और रोहिणी की संतान है, इसलिए वह उनकी सगी बहन नहीं है। द्रौपदी से ज़्यादा सुभद्रा से क्यों प्यार करते थे अर्जुन? महाभारत में अर्जुन की चार पत्नियों का जिक्र मिलता है, द्रौपदी, उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा। चारों पत्नियों में से अर्जुन अपनी दो पत्नियों द्रौपदी और सुभद्रा के साथ रहे। सुभद्रा कृष्ण की बहन थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई थी। जब अर्जुन द्रोणाचार्य से दीक्षा ले रहे थे, उसी दौरान अर्जुन की मुलाकात सुभद्रा की सहेली से हुई। सुभद्रा की सहेली हमेशा सुभद्रा के बारे में बातें किया करती थी। वह अपनी चचेरी बहन सुभद्रा के रूप और सुंदरता की तारीफ किया करती थी। सुभद्रा के रूप और बुद्धि की तारीफ सुनकर अर्जुन को सुभद्रा से प्रेम हो गया। अर्जुन ने सुभद्रा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने की सोची, लेकिन इसी बीच अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ स्वयंवर में द्रौपदी से विवाह कर लिया। युधिष्ठिर और द्रौपदी के साथ रहने के दौरान अर्जुन ने अपनी पत्नी की साझेदारी के नियम का उल्लंघन कर दिया, जिसके बाद 12 साल की लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा। इसी तीर्थ यात्रा के दौरान अर्जुन की मुलाकात नागा राजकुमारी उलूपी से हुई। नाग राजकुमारी ने अर्जुन को धमकी दी कि अगर वह उससे विवाह नहीं करते तो वह कभी उसे अपने पास न जाने नहीं देगी। अर्जुन ने अपनी सहमति दे दी और उससे इरविन नाम की संतान प्राप्त हुई। इसके बाद अर्जुन मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के संपर्क में आए। मणिपुर के राजा ने अर्जुन से अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वीकृति दे दी, लेकिन राजा की एक शर्त थी कि जो भी संतान पैदा होगी वह मणिपुर में ही रहेगी। अर्जुन की पत्नी और पुत्र बबरुवाहन दोनों मणिपुर में ही रहे, जबकि अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी। अर्जुन द्वारिका पहुँचे, जहाँ श्री कृष्ण से मुलाकात होनी थी। अर्जुन को अपने वर्षों पुराने प्रेम सुभद्रा को ढूंढने की इच्छा थी। अर्जुन ने यति का रूप धारण किया और द्वारिका पहुँच गए। हालांकि किसी ने अर्जुन को नहीं पहचाना, लेकिन श्री कृष्ण को एहसास हो गया कि अर्जुन पहुँच गए हैं। वह अपने करीबी दोस्त से मिलने के लिए तुरंत निकल पड़े। अर्जुन एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे, तभी अर्जुन ने अपने दोस्त और गुरु श्री कृष्ण को अपनी तरफ आते देखा। इससे पहले कि श्री कृष्ण कुछ कह पाते, अर्जुन ने कहा, आप जानते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। क्या आप मेरी उससे विवाह कराने में मदद नहीं करेंगे, जिससे मैं प्यार करता हूँ? श्री कृष्ण को पता था कि अर्जुन और सुभद्रा के विवाह में सबसे बड़ी बाधा सौतेले भाई बलराम बनेंगे। कौरवों के साथ अपनी दोस्ती को देखते हुए बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारी मुलाकात सुभद्रा से करवाता हूँ। अगर सुभद्रा भी तुमसे प्यार करती होगी तो मैं तुम दोनों के भागकर विवाह करने में मदद करवाऊँगा। अर्जुन ने कहा कि यह नीच कृत्य नहीं होगा क्या? तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि अगर सुभद्रा अपनी राजामंदी देती है तो क्षत्रिय में अपनी दुल्हन का अपहरण करना स्वीकार्य है। योजना बनाई गई कि अर्जुन
यति के रूप में ही रहेंगे और कृष्ण बलराम को उनसे मिलाने लाएंगे। बलराम ने अर्जुन को नहीं पहचाना और उसे एक सन्यासी समझकर तारीफ करने लगा। बलराम ने उसे अपने घर चलने का प्रस्ताव दिया, हालांकि अर्जुन ने कहते हुए इनकार कर दिया कि वह किसी मानव निवास में प्रवेश नहीं करने की प्रतिज्ञा कर रखी है, वह केवल प्रकृति के आश्रय में रह सकते हैं। इस पर बलराम ने कहा कि आप हमारी बहन सुभद्रा के महल के नज़दीक एक बाग बगीचों में रह सकते हैं। इस पर अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी और सुभद्रा के बगीचे के एक पेड़ के नीचे अर्जुन रहने पहुंच गए। सुभद्रा ने पांडवों की बहादुरी के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसने अर्जुन की धनुर्विद्या की चर्चा भी सुनी थी। वह अर्जुन से मिलने के लिए बेताब थी। जब सुभद्रा को पता चला कि एक साधु उसकी बगिया में आया है तो वह उनसे मिलने पहुंच गई। सुभद्रा ने सबसे पहले पांडवों के साम्राज्य इंद्रप्रस्थ के बारे में पूछा, इसके बाद अर्जुन के बारे में सीधे पूछा। सुभद्रा ने साधु से कहा कि साधु महाराज, मैंने सुना है कि अर्जुन बहुत वीर और गुणवान हैं, क्या आप मुझे उनके बारे में और बताएंगे? अर्जुन अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा शर्मा गया, लेकिन फिर उन्होंने सारे युद्धों और उसमें पांडवों की जीत के बारे में सुभद्रा को बताया। एक दिन सुभद्रा ने साधु से पूछा कि क्या आप मेरा मन पढ़ सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि क्या मुझे अर्जुन से प्यार हो गया है, क्या मुझे उनका प्यार मिल पाएगा? अर्जुन वर्षों से ये शब्द सुनना चाहते थे। अर्जुन ने तुरंत अपनी पहचान सुभद्रा को बता दी। इसी बीच श्री कृष्ण पहुँच गए। वह यह देखकर खुश तो हो गए, लेकिन उन्होंने फिर से याद दिलाया कि वे दोनों केवल भागकर ही शादी कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें अपना रथ दे दूँगा। सुभद्रा रोज रुद्र मंदिर में दर्शन के लिए जाती है, वहीं से तुम उसे अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेते जाना। सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा था, लेकिन सुभद्रा के साथ कुछ अंगरक्षकों ने अर्जुन को पहचान लिया और सबको आगाह कर दिया। बलराम ने जब सुना कि उसकी बहन का अपहरण करने की कोशिश की गई है, तो वह पूरे इंद्रप्रस्थ और पांडव साम्राज्य को तबाह कर देना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने बलराम को बताया कि उसमें कुछ भी क्षत्रिय धर्म के खिलाफ नहीं है। आखिरकार बलराम ने इस विवाह को अपनी स्वीकृति दे दी। इंद्रप्रस्थ पहुँचते ही अर्जुन सुभद्रा की तरफ मुड़े और कहने लगे, तुम द्रौपदी के बारे में जानती होगी और तुम्हें अभी पता होगा कि उसने कहा है कि वह जब तक जीवित रहेगी तब तक कोई भी पांडव पत्नी इंद्रप्रस्थ में नहीं रह सकती। हम दोनों तभी साथ रह सकते हैं जब द्रौपदी इसकी स्वीकृति दे दे। सुभद्रा ने द्रौपदी से मुलाकात की। वह साधारण वस्त्रों में पहुंची और कहा, मैं सुभद्रा हूँ, मैं एक ग्वालन और कृष्ण की सौतेली बहन हूँ। द्रौपदी के मन में श्री कृष्ण के लिए बहुत श्रद्धा थी। द्रौपदी ने सुभद्रा को तुरंत गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद जब दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई, तो सुभद्रा ने अर्जुन के प्रति अपने प्रेम को जाहिर कर दिया। यह सुनकर द्रौपदी स्तब्ध रह गई, लेकिन द्रौपदी ने महसूस किया कि अर्जुन की खुशी सुभद्रा के साथ रहने में है। इसके बाद द्रौपदी ने अर्जुन और सुभद्रा को अपना आशीर्वाद दिया और दोनों साथ रहने लग गए। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही जानकारियां एवं कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।